रावलपिंडी अब्दुल अजीज पाशा के मुताबिक हाफिज कामरान हशर अपडेट कर रहे हैं। आज 7 उम्मीदवार प्राइस पाई असम्बली पंजाब हल्का PP7 राजा नदीम अहमद ने कहा, पार्टी का वफादार हूँ, गुलाम नहीं हूँ। टिकटों की तकसीम मेरिट पर नहीं की गई, मनपसंद बंदों को नवाजा गया, इसीलिए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। अवाम तआवुन करें, इंशाल्लाह कामयाब होकर खादिम बनकर खिदमत करूँगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक चेयरमैन नाजिम राजा नदीम अहमद उम्मीदवार प्राइस सूबाई असम्बली पंजाब हल्का PP7 ने अपनी रिहायशगाह पर मुनाकिदा तकरीब से खताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान घड़ियाल इसलिए हासिल किया है, टाइम बदलता है, अब हल्के का टाइम बदलेगा। इंशाल्लाह इस बार MNA भी कलर का होगा और MPA भी कलर का होगा। कोहोटा की आवाम से अपील है कि हमने हमेशा आपसे वफा की है, अब आप हमारा साथ दें, पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दें, मगर हमें नज़रअंदाज किया गया है, जैसे वहाँ इंसान नहीं बल्कि भीड़ बकरियाँ रहती हैं। इसलिए मैंने अपने दोस्तों और आवाम इलाका की पुरजोर अपील पर एक ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ूंगा। महमूद शौकत भट्टी MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और मैं MPA का इलेक्शन लड़ूंगा। नीयत साफ है, अल्लाह मदद करेंगे। ना ही माफिया हूँ, ना ही माफिया का बंदा हूँ और ना ही थाना कचहरी की सियासत करता हूँ। इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करूँगा और उनके साथ मसाइल उनकी दहलीज पर हल करूँगा। कामयाब होकर आवाम से मशवरा करूँगा, जो आवाम का फैसला होगा उसी पार्टी में जाऊंगा, इसी हलके की खातिर दिन रात एक करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाल्लाह जीत कर आवाम का खादिम बनकर खिदमत करूंगा। रोड बनसी तो मैं 10% 20% की नहीं, जय बस ओ मुस चंगी मौत या बंदा मरी जावे, पूरा पूरा जो हक है लाओ लोगों पर, ये रकोलू लाओ। मैं अल्लाह की कसम जाए चेयरमैन रहा हूं, इस इलाका गवाया उतने फंड कौन से, मैं कोलू जिन्हें प्राण गुजारिश की कोलू जे में जो प्राणी राजा असगर राजा सईद जी उन्होंने जनाब मेहनत करी, मैं पैसे पाओ फलाने गली बनानी है, फलाने बैठे दस स्कोटू दस तो बेहद दस मैं कोलू की असा पैनल और इंशाल्लाह ताला असा कामयाब असा और इस पार्टी ने अखियां भी खुल सन के असा वर्करा ने ज्यादती की, उन्हें इज्जतां नहीं दित्तियां, अज साढ़े नाल हाल होया उन्होंने पल्ले कख नहीं हो यार, मैं तो सची बाणा पिया हो ओ दोस्तो तुरी पे बिस्मिल्लाह करी दा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जात कामयाबी देसी वे। अगर माड़ी गल किसी की किसी दोस्त की नामनासिब लगी मैं माफी चाहना और मैं यकीन नाल इंशाल्लाह ताला कल तू सा परा